अग्नि मुख, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने पिपलीवान का विध्वंस किया। स्मरण है ना धनानंद, उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था? धनानंद, बहुत शीघ्र पूरा मगध तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा और एक दिन तुम्हारा एक राज्य ही नहीं पूरा देश तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। आज वो समय आ गया है धनानंद, तुम्हारे जीवन की उल्टी गिनती आरंभ हो चुकी है। यदि अपने प्राण बचाना चाहता है तो भाग यहां से। मैं भागूं? मैं भाग तो वो रहा है तुम्हारा राजकुमार वो तिलचट्टा। मैं नहीं मरूंगा, मरेगा वो और उससे पूर्व मरोगे तुम अग्निमुख। तुम सभी क्षत्रिय इसी के योग्य हो। नाविक, नौका को उत्तर दिशा की ओर लो, वहीं है रंभा पर्वत। आचार्य संभालिए। आचार्य, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? धनानंद की सेना ने हमने हमें दोनों तरफ से घेर लिया है। हाँ महीम, हमारे सैनिक नदी की ओर कूच कर चुके हैं। अब क्षण दूर नहीं जब दास और विष्णुगुप्त चाणक्य हमारे पकड़ में होंगे। आज वो सब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। मैं स्वयं उन्हें मृत्यु के घाट उतारूंगा। ये प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे स्थूल, हमें इन्हें पूर्ण रूप से रोकना होगा, अन्यथा ये हमें इसी प्रकार रोकने का प्रयास करते रहेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? बलदेव, इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के गहरे जल में तो चल सकती हैं, परंतु कम जल स्तर में नहीं। मैं खोज रहा हूं कि नदी का जल स्तर कम कहां पर है, क्योंकि वहां हमारी ये छोटी नौका तो आराम से चली जाएगी, परंतु इनकी ये विशाल नौकाएं नदी के तल में अटक जाएंगी। हाँ, यहां जल स्तर कम है, यहां मगध की विशाल नौकाएं कभी नहीं पहुंच पाएंगी। इसी दिशा में आगे बढ़ो। पीछा कराओ। आचार्य,
आपकी योजना सफल नहीं, उनकी नौकाएं वहां पे फंस गई हैं। परंतु हम जब तक जल मार्ग पर, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें नदी का मार्ग त्याग कर समतल धरती पर जाना होगा। किंतु हमारे पास अधिक समय नहीं है आचार्य। सूर्यास्त से पूर्व हमें चंद्र को जीव गंध बूटी देनी होगी। जानता हूं महारानी, इसलिए हमें अपने दल को दो भागों में विभाजित करना होगा। आप चंद्रगुप्त को लेकर रंभा पर्वत की ओर जाइए, मैं बलदेव और अन्य सैनिकों के साथ इन्हें यहीं रोकता हूं। किंतु आचार्य, मुझे रंभा पर्वत का मार्ग नहीं पता। महारानी, आप मेरे बताए दिशा निर्देशों का अनुसरण कीजिए। आप उस स्थान तक पहुंच जाएंगे जो रंभा पर्वत की ओर जाता है। उसके आगे का मार्ग आपको स्वयं ढूंढना होगा। आप केवल नदी के बहाव की दिशा का अनुसरण करते रहिए। शीघ्र ही आप एक छोटे से कोने तक पहुंच जाएंगे। वहां आपको एक लाल पुष्पों की झाड़ी मिलेगी, बस वहीं उतर जाइएगा। वहां से थोड़ी दूर आपको कांटों की एक पगडंडी मिलेगी, वही मार्ग पर चलते रहिए। वो मार्ग रंभा पर्वत को जा मिलता है और रंभा पर्वत की चोटी पर रहते हैं वैद्य ईश्वर प्रसाद। केवल वही है जो चंद्रगुप्त के प्राण बचा सकते हैं। चिंता मत कीजिए महारानी, यदि एक मां ठान ले तो स्वयं यमराज भी उसकी संतान के प्राण उससे नहीं छीन सकते। विश्वास रखिए। आपने सच कहा आचार्य, मैं अपने चंद्र की जान बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। सूर्यास्त से पूर्व तुम्हें ना कुछ का विष नहीं, मैं स्वयं मारूंगा चंद्रगुप्त। तुम्हें खो चुकी हूँ चंद्र, अब चाहे प्रलय भी क्यों ना आए, तुम्हें मरने नहीं देगी तुम्हारी माँ। तुम्हारे और तुम्हारे मृत्यु के बीच ढाल बनकर खड़ी रहेगी तुम्हारी माँ। संसार की कोई भी ढाल तुम्हें मुझसे आज बचा नहीं पाएगी। क्या तुम चंद्रगुप्त को बचाने का कितना भी प्रयास कर लो, वो नहीं बचेगा। सम्राट धनानंद रंभा पर्वत के लिए निकल चुके हैं।
रुक जाओ, हम सबको शीघ्र ही रंभा पर्वत पहुंचना होगा। महारानी मूला और चंद्रगुप्त को बचाना है, चलो। ईश्वर राम जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। किंतु आप कौन है देवी? मैं केवल एक माँ हूँ। चंद्र, आंखें खोलो चंद्र। नाग पुष्प के विष से ग्रसित है, इसके श्वास भी बंद हो गई है। अब चंद्र, मैंने सुना आपके पास जीवगंध बूटी है जिसे नाग पुष्प का विष काट सकते हैं। वैद्यराज जी, मेरे पुत्र के प्राण बचा लीजिए। चंद्र, आंखें खोलो। चंद्र, आंखें खोलो।